रणदीप सुरजेवाला जी ट्वीट करते थे, शैलजा जी बड़े बड़े बयानबाजी करती थी, भूपेंद्र हुड्डा जी राजनीतिक बातें करते थे, आज सारे के सारे चुप बैठे हैं। कांग्रेस के द्वारा किया गया प्रायोजित प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये किसानों का अपना कोई कार्यक्रम नहीं है। तो एहसास हो चुका है कि कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, इसलिए मुझे ये लगता है कि वो जल्दी कांग्रेस से अलविदा कह देंगे। मुन्नी बदनाम हो गई, इस नारे को भी सिद्धू जी ने ही दिया था। अगर कांग्रेस ने अब भी उनको कोई अच्छा पद या मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो कहीं भी भाग सकते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। मौजूदा मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैथल के विधायक लीला राम जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार जी। जी, तो जिस तरह से सर पंजाब के जो है मुख्यमंत्री रहते अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया था, किसानों को कह रहे थे कि पंजाब छोड़कर हरियाणा में जाकर अपना प्रदर्शन करें, यहाँ पर उनका नुकसान हो रहा है, कैसे देखते हैं इस बयानबाजी को आप? एक कहावत है कि अगर हम किसी के रास्ते में खड्डा खोद देंगे तो देर सवेर हमने स्वयं ही उस खड्डे में गिरना पड़ता है, और ये बात कल साबित भी हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय अमरिंदर सिंह जी हर बार किसानों को उकसाने का काम करते थे, और उन्होंने उनको फंडिंग भी की, जैसे कि मीडिया के लोगों ने लिखा, अखबार ने लिखा, सभी सोशल मीडिया पर आया कि इससे पंजाब गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। उसके देखते हुए ये कल साबित भी हो गया कि स्वयं के द्वारा खोदे गए खड्डे में, स्वयं के द्वारा रचे गए चक्करव्यूह में आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी स्वयं खुद फंस करके गिर गए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज आप देख लीजिए, जो छोटी छोटी बात पर रणदीप सुरजेवाला जी ट्वीट करते थे, शैलजा जी बड़े बड़े बयानबाजी करती थी, भूपेंद्र हुड्डा जी राजनीतिक बातें करते थे, आज सारे के सारे चुप बैठे हैं। इससे साबित होता है कि ये कांग्रेस के द्वारा किया गया प्रायोजित प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये किसानों का अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, किसानों का कोई धरना नहीं है। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि किसान के पास इतना समय भी नहीं है होता कि वो साल साल छः छः महीने धरना दे करके बैठेंगे। जो खेती करने वाला किसान है, जो असली ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान है, हमने स्वयं खेती किया और आज भी खेती करते हैं, किसान के पास इतना समय नहीं होता, ये किसान नहीं राजनीतिक आंदोलन है। जी जी, कहाँ तो पंजाब में एक तरफ चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लग रही थी, लेकिन अब जो उथल पुथल मची है अमरिंदर सिंह के बयान के बाद, कांग्रेस जो है अपने अपने खेमों में बंटी हुई, अपनी अपनी अलग मीटिंग कर रही है, इस उथल पुथल को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस तो आज सभी को महसूस हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, कि ये डूबता हुआ जहाज है। और कई बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किए हैं, लिखा भी है कि ये तो टाइटैनिक है कांग्रेस का, जो जहाज डूब रहा है, और आज लोग कांग्रेस के छोड़ करके भाग रहे हैं। मेरे को लगता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी देर सवेर जल्दी कांग्रेस को अलविदा कह देंगे, छोड़ देंगे। उनको एहसास हो चुका है कि कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस ख़त्म हो रही है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, इसलिए मुझे ये लगता है कि वो जल्दी कांग्रेस से अलविदा कह देंगे। जी जी, तो जिस तरह से पाकिस्तान के मंसूबों से पूरा देश वाकिफ है, और वहीं मौजूदा जो स्थिति में अभी कांग्रेस में सिद्धू साहब के जो समर्थक हैं वो उन्हें अभी सीएम की निगाहों से देख रहे थे, आने वाले समय में वो सीएम बनेंगे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने ही आरोप लगाया था कि सिद्धू तो पाकिस्तान के पीएम के दोस्त हैं, कैसे देखते हैं इस बात को आप? मेरे को ये लगता है कि सिद्धू साहब तो एक क्रिकेट के अच्छे प्लेयर तो थे, परंतु वो राजनीतिक आदमी नहीं है, और उनका जो रोल रहा है एक नौसिखिए नेता वाला रोल रहा है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के खिलाफ बयान देते थे, आज वो उनकी कोई हैसियत या उनकी कोई औकात नहीं रह गई है कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ कहें। मुन्नी बदनाम हो गई, इस नारे को भी सिद्धू जी ने ही दिया था। हमने राहुल गांधी जी का नाम पप्पू नाम उनका दिया हुआ नाम है। आज तो मैं सोचता हूँ मेरे जैसा पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी इस प्रकार की शर्म महसूस करता है कि आज वो कांग्रेस के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका मुंह नहीं है कांग्रेस के बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी करे या कांग्रेस के बारे में कोई अच्छा शब्द कहे। लोग मजाक करते हैं,
सिद्धू साहब का मजाक करते हैं और पूरी पंजाब की जनता का मुझे लगता है उनके ऊपर से भरोसा भी उठ गया है कि इस आदमी का कोई विश्वास यकीन नहीं है। अगर कांग्रेस ने मेरी अपनी मैं दोबारा से कहता हूँ मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर कांग्रेस ने अब भी उनको कोई अच्छा पद या मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो कहीं भी भाग सकते हैं, वो आप पार्टी में भी जा सकते हैं, बहुजन में भी जा सकते हैं, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने अगर ले लिया तो यहाँ भी आ सकते हैं, वो हाथ पैर मार सकते हैं। मैं उनकी बात को कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता।